6 दिसंबर 1956 आज ही का वो दिन था जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर हमारे बीच नहीं रहे थे। आज 77 साल हो गए, वो महामानव जिसकी बदौलत आज हम समाज में सर ऊंचा करके जी रहे हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो आज भी हमारी दशा वही होती जो 100 साल पहले थी। आज हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज कहानी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण से जुड़ी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें। बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर की कहानी भी महानता से भरी है। ये महानता मेहनत संघर्ष के बल पर प्राप्त की है। जिस फूल को हिंदुत्व के हिंदुपन ने पग पग पर कुचलने और मसलने की कोशिश की वह फूल आखिर ऐसा खिला जिसने न सिर्फ भारत को ही बल्कि संसार को भी अपने ज्ञान की महक से मोह लिया और सिंबल ओन ऑफ नॉलेज बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। आज की वीडियो बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन के अंतिम पल्लों पर आधारित है। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर के जीवन के वो अंतिम पल क्या थे, आइए जानते हैं। 16 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को धर्मांतरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुंबई जाना था। 3 दिसंबर की रात को बाबा साहब इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चिंतन कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी अधूरी रचना बुद्ध और कार्ल मार्क्स को जल्दी पूर्ण करने की भी सोची। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से काल की किताब दास कैपिटल निकाली तथा अपनी अधूरी कृति को पूर्ण किया। इस प्रकार उन्होंने 3 दिसंबर की रात लिखने में व्यतीत कर दी। 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। कुछ मुद्दों पर बहस करने के बाद वे वापस अपने घर वापस लौट आए। घर लौटने के बाद 4 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस को सशक्त विपक्ष देने के इरादे से राजनीतिक दल के गठन के लिए आचार्य पी के अत्रे तथा एस एम जोशी को पत्र लिखकर रिपब्लिकन पार्टी ने जुड़ने के लिए सहयोग मांगा। 5 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर से क्यों गुस्से में थे, आइए जानते हैं। 5 दिसंबर की सुबह काफी ठंड थी। देर रात तक जागे रहने के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सुबह देर से जागे। उनका सहयोगी नानक चंद रत्तू कार्यालय चला गया था। उस दिन मुंबई से डॉक्टर मावलंकर भी उनके घर आए थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर मेहमान डॉक्टर मावलंकर के साथ सामान खरीदने बाजार चली गई। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर पूरे दिन घर पर अकेले रहे। शाम को रत्तू भी ऑफिस से घर लौट आया था, लेकिन देर शाम तक सविता घर नहीं लौटी थी। उन दिनों बाबा साहब की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इस तरह मेहमान के साथ पूरे दिन देर तक घर से बाहर रहना बाबा साहेब को चुभ रहा था। वे कुछ परेशानी की हालत में लग रहे थे। जैसे जैसे सायंकाल का अंधेरा गहराता जा रहा था वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहेब का गुस्सा भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतनी देर होने तक सविता जी घर नहीं पहुंची थी। बाबा साहेब का गुस्सा घर के नौकरों और नानक चंद रत्तू को साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वे बार बार घर के लोगों से सविता जी के आने की खबर पूछ रहे थे। ये बड़ी सोचनीय बात है कि परिनिर्वाण से पहले दिन डॉक्टर आंबेडकर की कहानी बहुत ही कष्टदायक थी। रात को लगभग 8 बजे डॉक्टर मावलंकर और श्रीमती डॉक्टर सविता आंबेडकर घर पहुंचे। डॉक्टर आंबेडकर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घर के कर्मचारी बहुत भयभीत थे कि न जाने बाबा साहेब सविता जी के साथ क्या अनहोनी कर दे, लेकिन बाबा साहेब तो धैर्य और करुणा के महासागर थे। उन्होंने बचपन से ही कष्ट और पीड़ा को सागर की तरह अपने में समा लिया था। डॉक्टर श्रीमती सविता जी को बाबा साहेब के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। घर के नौकरों ने और नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब का गुस्सा शांत करने की काफी कोशिश की। इसके बाद बाबा साहब ने जैन प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बाबा साहेब का गुस्सा थमा नहीं था कि तभी जैन प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उनसे मिलने आ गए। बाबा साहेब तो अपार सहन शक्ति के सागर थे। दिन भर तनाव में होने के उपरांत भी उन्होंने जैन धर्म के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने जैन और बुद्ध की कृति उनको भेंट की। जैन प्रतिनिधिमंडल के अगले दिन 6 दिसंबर के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मावलंकर रात को हवाई जहाज से मुंबई चले गए थे। मेहमान और प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर की कहानी जो उनके महापरिनिर्वाण से जुड़ी है अब शुरू होती है। नानक चंद रत्तू ने उंजे सिर ने तेल की मालिश की। उनको थोड़ा आराम महसूस हुआ। सोने से पहले रोज की भांति बाबा साहब ने बुद्ध शरणम का पाठ जपने लगे। उन्होंने उस रात चावल भी खाए, रेडियो पर गाने भी सुने। सोने से पहले उन्होंने कुछ किताबें अपने पास रख ली। श्रीमती सविता अंबेडकर डॉक्टर भीमराव के गुस्से से काफी डरी हुई थी। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
वह डर के मारे उनके करीब नहीं गई। सुबह जब श्रीमती आंबेडकर हमेशा की तरह उठीं, तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर आंबेडकर के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने भेजी। जब वह आए तो श्रीमती आंबेडकर सोफे पर लुढ़क गईं। वो बिलख रही थीं कि बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए। नानक चंद रत्तू ने छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया, उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी डाली, लेकिन सब कुछ विफल रहा। वह शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। बाबा साहब के संसार से जाने की दुखद सूचना तेजी से फैली। अब श्रीमती आंबेडकर के रोने की आवाज तेज हो चुकी थी। नानक चंद रत्तू भी बाबा साहब के पार्थिव शरीर को सीने से लगकर रोए जा रहे थे। ओ बाबा साहब, मैं आ गया हूं, मुझको काम तो दीजिए। पर बाबा साहब जीवित होते तो बोलते। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाते सुनाते मेरा मन भी भर गया है, मेरी भी आंखें भर आई हैं। खैर, कुछ देर बाद नानक चंद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग तुरंत नई दिल्ली के अलीपुर रोड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को डकोटा हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई ले जाया गया। उनके अंतिम दर्शन पाने हेतु मुंबई की सड़कें जाम हो गई थी। उनके पुत्र यशवंत राव अम्बेडकर ने बाबा साहेब को मुखाग्नि दी। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति के अनुसार हुआ। बाबा साहेब की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उनकी चिता के सामने 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब की पत्नी चाहती थी कि अंतिम संस्कार सारनाथ में हो, हालांकि इस पर विवाद भी है। कुछ लोगों का कहना है कि श्रीमती आंबेडकर ने इस बारे में बेटे यशवंत राव को कोई सूचना नहीं दी। वह सारनाथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। दरअसल 4 साल पहले डॉक्टर आंबेडकर को लगने लगा था कि वह अब ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने खास सहायक बाहूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था कि वह ऐसी घटना की तैयारी पहले से करके रखें। मुंबई में चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। दुहक की बात तो यह है, एक महामानव आज ही के दिन हमारे बीच से विदा हो गया था। इस वीडियो को बनाना हमारा उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों और विचारों का एक संग्रह है। उनकी विचारधारा से देश और समाज को जो नई दिशा मिली है, वह हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनके जीवन संघर्ष और सिद्धांतों को प्रसारित करना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।